Hi everyone, I am Richa, welcome back to आज सेशन में हमें डिस्कस करना है अगस्त 2023 की साइंस टेक और डिफेंस रिलेटेड न्यूज ये पूरे अगस्त के कंपाइलेशन का लास्ट सेगमेंट है इससे पहले हम ऑलरेडी फाइव सेगमेंट्स में पूरी करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं सब इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स हैं, जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं देखना हो तो पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्ले का भी और वीडियोज का भी राइट बिफोर आई बिगिन विदीडियो लेट मी एक्सटेंड थैंक यू टू ऑल दो विशेष and positive thoughts for my seven-year-old kaira she is already recovering oscar um, typhoid diagnosis hogeada or a medication start hogeada in that same line and is recovering well so thank you so much for all the lovely wishes now coming back to the uh, topic that we have to cover देखिए लाइक आई टोल्ड यू हम हर महीने पांच से छह पार्ट्स के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं अलग से नेशनल न्यूज स्टेट न्यूज स्पोर्ट्स साइंस टेक एसेट्रा एक्सेट्रा कवर करते हैं उन सबका एक कॉमन पीडीएफ होता है मंथली मैगजीन जो परचम क्लासेस डॉट इन पर अवेलेबल करवा दिया जाता है हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर करते हैं नहीं तो आप हैंड नोट्स ले, ले सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं लेकिन अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि फिर आप मूव कर जाइए पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं पीडीएफ से तो आप सीए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप बाकी सारे वीडियोस के भी पीडीएफ से पढ़ते हैं तो पीडीएफ बैंक ले लीजिए दोनों आपको परचम ऐप आप पे मिल जाएगा ठीक है नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि हमने परचम का एग्जाम गाइडेंस सेल लॉन्च किया है अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है गवर्नमेंट की बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं पढ़ाई कैसे करनी है उनको गाइडेंस चाहिए होती है वेकेंसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट होता है सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज आपको कोई भी कंसल्टेशन या मेंटोरशिप चाहिए नाउ यू कैन आस्क योर मेंटर और इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी राइट डाउन कर सकते हो अगर आप बात करना चाहते हैं मेंटोर से तो सिर्फ दो घंटे का विंडो होता है जो अवेलेबल है एंड दैट इज टू टू फोर इसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो परचम एग्जाम गाइड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे सो मेंटोर विल क्वेरीज जो भी एग्जाम रिलेटेड हो परचम से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरीज एंड कंसर्स है तो उसका एक डिफरेंट नंबर है जो जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा मीन वाइल आप परचम क्लासेस जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम पे परचम से रिलेटेड सारी क्वेरीज भेज सकते हैं ठीक है एंड परचम ऐप पे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं टेन टू सिक्स जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं परचम के आपको ऑन द स्पॉट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज परचम ऐप चैट पे भी मिल जाएंगे

एक और क्वेश्चन है पर वो मैं अभी नहीं वीडियो के बीच में आपसे पूछूंगी चलिए तो हम अपने पहले वीडियो के पहले न्यूज की तरफ आते हैं इस वीडियो के, इज़ रिलेटेड टू चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून पर उससे पहले कुछ सेकंड का एक प्रिल्यूड है वो आप देख लीजिए ताकि सारे कोर्सेसक्रिप्शन का आपको आइडिया मिल जाए फिर के आइए पढ़ना शुरू करते हैं राइट सो वेलकम बैक चंद्रयान थ्री सक्सेसफुली लैंड कर गया मून के ऊपर अब इससे रिलेटेड हमें न्यूज पढ़नी है मून पढ़ पे लैंडिंग करने वाला भारत चौथा सक्सेसफुल कंट्री बन जाता है आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना और सदर्न पोल के पास में अगर हम सदर्न रीजन पे लैंडिंग की बात करें तो भारत भारत पहला देश बनता है इंडिया के मून मिशन में चंद्रयान थ्री थर्ड लूनर मिशन था ऑब्वियसली चंद्रयान वन था फिर टू था फिर थ्री था चंद्रयान वन जो था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा था चंद्रयान टू जो था उसमें जो ऑर्बिटर था जो मून के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है वो तो सक्सेसफुल रहा लेकिन जो लैंडर था जो सतह पे लैंड करता विक्रम वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया और उसी वजह से जो रोवर जो सतह पे चलता उस लैंडर में से निकल के वो भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया चंद्रयान थ्री मिशन की बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से से ऑफ जुलाई को इस मिशन को लॉन्च किया गया था आगे बढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव थे जिसके साथ इसको ले जाया गया एक तो था सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है क्या मून के सतह पे वो हमने देखा रोवर की रोविंग यानी रोवर निकल के सतह पे चल सकता है क्या वो करवाना वो भी सक्सेसफुल रहा और तीसरा इन सी टू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी मून पे उस साइट पे एक्सपेरिमेंट्स करना जो कि चल रहे हैं चंद्रयान थ्री के अंदर कितने मॉड्यूल्स थे तो तीन मॉड्यूल्स थे पहला मॉड्यूल था प्रोपल्शन जो कि उसको गति देता है जो उसको चलाए रखता है जिसकी लाइफ थ्री टू सिक्स मंथ थी फिर एक लैंडर लैंडर जो कि चंद्रयान टू में भी इसी नाम से लैंडर था विक्रम इस बार भी वही था विक्रम लैंडर और एक रोवर रोवर मैंने आपको बताया जो सरफेस पे चलेगा उसका नाम था प्रज्ञान प्रज्ञान रोवर ठीक है ये नाम आपको ध्यान रखने हैं अब क्योंकि हम चंद्रयान थ्री पढ़ रहे हैं तो वन और टू पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर सिर्फ करंट नहीं पूछेगा करंट से रिलेटेड स्टैटिक भी पूछेगा और क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एग्जाम के लिए करंट अफेयर तैयार करते हैं जिसमें यूपीएससी एसएससी आपके जितने भी और एग्जाम होते हैं मिलिट्री रिलेटेड हो गए टीचिंग रिलेटेड हो गए ए टू जेड एग्जामिनेशन के लिए हम करंट अफेयर तैयार करते हैं तो डेप्थ में पढ़ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ना जरूरी होता है चंद्रयान वन की बात करें तो 2008 में 22 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट है हर मिशन के ध्यान रखिएगा पी एस एल वी सी इलेवन फर्स्ट चंद्रयान का ये लॉन्च व्हीकल था और इसने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी जैसे वाटर और हाइड्रोक्सिल लूनर सर्फिस पे है इसका पता लगाया था चंद्रयान टू की बात करें तो 2019 यानी 2019 में 22 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल क्या था जी एस एल वी एम के थ्री एम वन राइट इसमें था। लैंडर और रोवर नहीं काम कर पाए चंद्रयान थ्री की अगर हम बात करें तो लाइक आई टोल्ड यू फोर्टीन जुलाई को इसको लॉन्च किया गया लैंड कब हुआ ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को उस डे को एक इंपॉर्टेंट डे की तरह अब हम ऑब्जर्व करते हैं मनाते हैं पीएम मोदी ने अनाउंस किया है वो डे कौन सा है जल्दी लिख के बताइए पढ़ा चुके हूँ आपको अगर आता है लिखिए नहीं तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे ठीक है अच्छा इसका लॉन्च व्हीकल क्या था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोस्टर इंपॉर्टेंट है और इस पोस्टर से आप देख सकते हो एल वी एम थ्री एम फोर ये इसका लॉन्च व्हीकल है जिसमें चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया गया इसका जो लाइफ था सो इसकी लाइफ थी फोर्टीन अर्थ डेज जिसको कि एक ल्यूनर डे बोलते हैं फोर्टीन अर्थ डेज तक ये जो मिशन है ये काम करेगा तो एक तरह से Uh, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मिशन है जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम बड़े मून मिशंस भेजने की पोजीशन में आ सकेंगे इसका मास रहा 1749.86 केजी जिसमें रोवर का मास इंक्लूडेड है तो ये सारी मेजर चीजें हैं जिनको हमको देखना था आगे बढ़ते हैं ना चंद्रमा पर शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट तो जहां पे चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम क्रैश हुआ था उस साइट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया और इस बार जहां लैंडर लैंड हुआ है चंद्र चंद्रयान थ्री का उसको शिव शक्ति नाम दिया गया दोनों नाम याद रखिएगा सो so, चंद्रयान थ्री टच डाउन स्पॉट को नाम दिया गया शिव शक्ति और चंद्रयान टू का जो क्रैशिंग साइट थी उसको नाम दिया गया तिरंगा एंड बस इतनी बात है और ये आ गया जो मैंने अभी आपसे पूछा था अगस्त 23 को हम किस डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे नेशनल स्पेस डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी होता है और वो अलग डे है कब आता है कब आता है इलेवन इलेवन मे सो इलेवन मे को आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को आएगा नेशनल स्पेस डे क्योंकि इस दिन हमने स्पेस पे अपनी छाप छोड़ी है इंपॉर्टेंट चंद्रयान प्रज्ञान रोवर प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन लूनर सर्फिस लूनर सर्फिस यानी चंद्रमा के जो सतह है उस पर सल्फर की प्रेजेंस खोज निकाली है सो फार प्रज्ञान रोवर ने सो प्रज्ञान रोवर में जो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है उसने सल्फर की प्रेजेंस साउथ पोल के नियर पता लगाई है ठीक है इसके अलावा और भी चीजें पता लगाई जैसे एल्यूमिनियम कैल्शियम आयर्न क्रोमियम टाइटेनियम ये सारी चीजें भी पता लगाई है कि सतह पर मौजूद है तो ये चंद्रयान थ्री से रिलेटेड सारी बातें हो जाती है खत्म अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पे इसरो की नभ मित्र डिवाइस कौन सा डिवाइस नभ मित्र डिवाइस सो इसरो अहमदाबाद ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है नव मित्र डिवाइस कहाँ पे नींदकारा में नींदकारा कहाँ पर है लिखेंगे चलिए लिखिए स्टेट uh, बताइएगा सो so, नींदकारा के अंदर इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है ये एक सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि फिशरमैन जो चलो मैं बता देती हूँ अब आप ढूंढोगे जाओगे आप बोलोगे मैम बहुत ब्रेक आ जाता है पढ़ने में केरला ठीक है केरला सो so, नींदकारा केरला के अंदर इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया नवमित्र को इसमें क्या होगा जो फिशरमैन होंगे उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी और फिशरमैन भी जो कंट्रोल सेंटर्स हैं वहाँ तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं टू वे मैसेजिंग सर्विस है जो कि टू एंड फ्रो सी कम्युनिकेट की जा सकती है शिपिंग चैनल्स और मेरी बाउंड्रीज का आइडिया लगाएंगे फिशरमैन को ताकि वो गलती से मेरी बाउंड्रीज क्रॉस ना कर जाए उसके अलावा कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अच्छे फ़िशिंग फील्ड्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी कभी वेदर ख़राब हो रहा है साइक्लोन आने वाला है तो इन सबकी जानकारी दी जाएगी अगर ये कभी फंस जाते हैं फिशरमैन तो ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये सारा डेवलप किया है

लॉन्च करते रहेंगे ताकि हमारा कमर्शियल एंगल फुलफिल होता रहे और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके गवर्नमेंट का ये आइडिया था तो इसके तहत जो इसरो है उसने आई एम एस वन सेटेलाइट बस टेक्नोलॉजी एल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी है उसको ट्रांसफर की है अब आप बोलोगे मैम ये बस टेक्नोलॉजी क्या होती है तो देखिए जब बहुत सारी सेटेलाइट आपको लॉन्च करनी होती हैं तो उन सब के अंदर आ, उन सबके अंदर आपको कंप्यूटर की और नेटवर्किंग की Uh, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि कॉमनली यूज किए जा सकते हैं ठीक है तो वो कॉमन सिस्टम इस बस टेक्नोलॉजी से uh, सारी सेटेलाइट शेयर कर पाएंगी ऐसी चीजें जो कि कॉमनली यूज़ की जा सकती है बाई मल्टी सैटेलाइट तो उस पर बहुत सारे पेलोड्स लगा करके फिर भेजा जा सकता है बस टेक्नोलॉजी इसमें काम आती है ओके सो आई एम वन बस सैटेलाइट बस को डेवलप किया था यूआर राव सेटेलाइट सेंटर ने और लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस मान लीजिए आपको चार पेलोड्स भेजने हैं टेलीस्कोप भेजना है आपको एक मिनी uh, सेटेलाइट भेजनी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो आप क्या करोगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी और उनसे रिलेटेड कंप्यूटर या उनसे रिलेटेड जो भी और टेक्नोलॉजी है वो एक कॉमन बस टेक्नोलॉजी में यूज कर लोगे और उन सबसे ये आप पेलोड शेयर कर लोगे तो कम लागत में आप मल्टीपल चीजें स्पेस में भेज सकते हो वेट इसका अराउंड हंड्रेड किलोमीटर्स है और थर्टी के जी का पेलोड ये ले सकता है बस कैन सर्व एज अ डेडिकेटेड व्हीकल फॉर मेनी डिफरेंट पे लाइक आई टोल्ड यू तो इसमें अलग अलग जो सेटेलाइट uh, हो गए Uh, टेलीस्कोप्स वगैरह हो गए वो आप एक साथ भेज सकते हैं सेंटर अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु तमिलनाडु में एक नया स्पेस पोर्ट सेटअप करने के लिए सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है अब आ, ये क्यों किया गया ताकि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वो यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च किए जा सके अभी जो हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा में उससे दिक्कत क्या आती है जब लॉन्च किया जाता है अगर आप स्ट्रेट प्रोजेक्ट्री में लॉन्च करोगे तो श्रीलंका के ऊपर से होते हुए जाएगी आपकी जो भी सैटेलाइट है तो उसके डेबरी जो गिरेंगे क्योंकि सैटेलाइट अलग अलग, अलग फेजेज में जाती है तो जो डेबरी गिरेगा वो श्रीलंका के ऊपर गिरने के चांसेस होंगे राइट तो ऐसे केसेस में जो मेनोवर करना पड़ता है यानी जो सैटेलाइट है वो पहले इस डायरेक्शन में लॉन्च की जाएगी फिर उसके बाद उसका मेनोवर करके उसको इस डायरेक्शन में लाया जाएगा लेकिन जब अब आप नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन आप लॉन्च कर रहे हो तो वहां से आप सीधे डायरेक्शन के अंदर लॉन्च कर सकते हो बेसिक बेसिक मैंने आपको समझा दिया आप पढ़ लेते हैं ठीक है ओके सो so, uh, अगर आप पोस्टर ध्यान से देखोगे डिफरेंस क्या होने वाला है ये जो मनोवर यानी सीधे आते आपने लॉन्च किया फिर ही आपको टर्न लेना पड़ता है इसको बोलते हैं डॉगलेग मनोवर ये डॉगलेग मनोवर क्या करता है इट कॉजेज द रॉकेट टू फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लाइट पाथ वो डिवियेट होकर के फिर यहाँ पे आएगा और इसमें काफी सारा फ्यूल खर्च होता है पेलोड की जो कैपेसिटी है लॉन्च की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा आपको रखनी पड़ती है बिकॉज फ्यूल ताकि आगे भी काम आ सके तो जब आप न्यू स्पेस पोर्ट न्यू लॉन्च पोर्ट से लॉन्च करोगे जो कि कुलसेकरा पटनम के अंदर डेवलप होने वाला है तो यहाँ से आप मनोवर की जरूरत नहीं है आप सीधे साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर लॉन्च कर सकते हो ठीक है अब ज्यादा जानकारी के लिए आगे समझ लेते हैं बस इतना ही था ज्यादा समझने का कुछ है नहीं सो जो नया स्पेस पोर्ट है वो कहाँ लॉन्च हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए तमिलनाडु के अंदर भी कुलसेकरा

रशियन लैंडर हैट आठ पेलोड लेकर के वो जा रहा था और वो क्रैश हो गया पहले जो इसका लूनर मिशन था वो नाइनटीन में आया था क्योंकि हमने देखा कि रशिया यूएस और चाइना हमसे पहले ऑलरेडी मून पे अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं लैंड कर चुके हैं तो ऑब्वियसली रशिया पहुंच चुका है अगर हम देखेंगे हमने फोर्टीन जुलाई को लॉन्च किया और प्रोबेबल लैंडिंग हमारी ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट थी ये सारी चीजें और यहाँ पे आप लूना ट्वेंटी फाइव देखोगे तो टेंथ ऑगस्ट को इन्होंने लॉन्च किया था और ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट को प्रोबेबल लैंडिंग इनकी होनी थी लेकिन उससे पहले ये क्रैश कर गया है ठीक है और यहाँ पे आप कंप्लीट एक तरह से कंपेरिजन देख सकते हो कि चंद्रयान थ्री जो था वो फोर्टीन डेज का मिशन था और लूना ट्वेंटी फाइव ईयर का मिशन था जो कि अगर कैरी हो जाता तो वुड हैव टेकन मोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया कौन से दो देशों का मिशन है ये इंडिया एंड जापान इंडिया एंड जापान का ध्यान रखेंगे सो ल्यूपेक्स एक ल्यूपे वेंचर है जाक्सा जो की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच का है और ये ट्वेंटी में लॉन्च होना शेड्यूल किया गया है ये स्टडी करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेस ऑन मून क्या हम जाके वहां रह सकते हैं क्या वहां पे एक बेस बनाया जा सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आइस या फिर वहां पे सरफेस एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे वहां टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम किया जाएगा इसके अंदर जाक्सा जो है वो डेवलप करेगा रोवर और जो इसरो है वो डेवलप करेगा लैंडर इस तरह से ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिशन शेयरिंग चल रही है ठीक है सो जाक्सा लॉन्चर और रोवर और इसरो लैंडर की तैयारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है NASA's Rex is back to Earth. तो NASA ने इस एक लॉन्च किया था और वो अब वापस आ रहा है ये जो मिशन था ये 2016 में लॉन्च किया गया था एक एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए उस एस्ट्रॉयड का नाम था बेनू जो अर्थ के पास में एक एस्ट्रॉयड है तो उसको जाकर के स्टडी करने वाला था वहां से कुछ सैंपल लेकर के आने वाला था और अब ये अपनी रिटर्न जर्नी के ऊपर है और न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने कुछ क्रिटिकल कोर्स एडजस्टमेंट्स किए हैं ताकि सेफ लैंडिंग कर सके अर्थ के ऊपर तो इसने अपने रस्ते में थोड़े से फेरबदल किए हैं इसलिए न्यूज में बना रेक्स का मतलब होता है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी एक्सप्लोरर बहुत बड़ा नाम है मेन इसका काम क्या था कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से बने हैं क्योंकि जिस तरह से एस्ट्रॉइड बने होंगे उसी तरह से मोरोलस फंक्शन हमारा भी रहा होगा बिकॉज एस्ट्रॉयड माना जाता है कि जो टुकड़े

एंड स्पेस एक्स लॉन्च सेंस फोर एस्ट्रोनॉट फ्रॉम फोर कंट्रीज टू आई एस एस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है उसमें चार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर सो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है जो लेकर के गया फैल्किन नाइन रॉकेट यूज करते हुए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को चारों एस्ट्रोनॉट्स कौन से देश के थे यूएस डेनमार्क जापान और रशिया के और एजेंसी स्पेस एक्स का ये क्रू सेवन मिशन के तहत नासा ने इन सारे एस्ट्रोनॉट्स को आईसिस में पहुंचाया है नेक्स्ट न्यूज़ इज एक्सआरआईएसएम और स्लिम से रिलेटेड है तो जापान के ये कुछ दो मिशन हैं जिनके बारे में हमको देखना है एक्सआरआईएसएन मिशन एंड स्लिम लैंडर ये दोनों जापान के मिशंस हैं व्हाट आर दिस लेट सी जापान रेडी हो रहा है लॉन्च करने के लिए ड्यूल पर्पस मिशन फ्रॉम वन रॉकेट जिसमें स्लिम और एक्सआरआईएसएम दोनों डिप्लॉय किए जाएंगे यानी एक ही मिशन होगा जिसके तहत एक्स आर आई एस एम और स्लिम दोनों भेजे जाएंगे अब ये दोनों हैं क्या तो एक्स आर आई एस एम मिशन की अगर हम बात करें तो एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रोस्कोप uh, अगर हम कहें एक्सरे से रिलेटेड एक्सरे uh, से जुड़ा हुआ इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है जो क्या करेगा जो पहली बात तो जाक्सा और नासा मेनली इस मिशन के अंदर जुड़े हुए हैं और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी दिया है इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक्सरेज आती हैं डीप स्पेस से यानी बहुत दूर वाले स्पेस से जो एक्सरेज आते हैं उनको स्टडी करना और उनकी वेवलेंथ से उनका कोई ना कोई को रिलेशन बिठाना कि भाई जो जितना दूर होता है उसकी वेवलेंथ किस तरह की होती है नहीं होती है ताकि हम डिस्टेंसेज का अच्छे से आइडिया लगा पाए स्पेस के अंदर जो भी बॉडीज हैं उनका तो अनप्रेसिडेंटेड प्रिजन से इतनी बारीकी से इससे पहले अध्ययन नहीं किया गया है टू मेजर चेंजेस इन ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एट अ डिफरेंट वेवलेंथ अगर कोई चीज ज्यादा ब्राइट दिख रही है तो उसकी वेवरेंसेज का को रिलेशन लगाना और कोई अगर ब्राइट नहीं दिख रही है तो वो कितनी दूर हो सकती है इसको पता लगाने के लिए एक्स आर आई एस एम मिशन है मेनली हेल्प ऑफ नासा कर रहा है ये एस्ट्रोफिजिक्स को बहुत नई इन्फॉर्मेशन दे सकता है जैसे कि यूनिवर्स का हॉटेस्ट रीजन कौन सा है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से ये सब इस मिशन से पॉसिबल हो सकते हैं दूसरा जो हमने स्लिम की बात की तो दिस इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग मून तो लैंडर स्मार्ट इन्वेस्टिगे मून के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्मार्ट लैंडर है ये रोबोटिक मून लैंडर होने वाला है इसमें कोई इंसान नहीं होगा और एक्यूरेट ल्यूनर लैंडिंग टेक्निक्स को दर्शाने के लिए इसको लॉन्च किया जाना है ठीक है चलिए जल दोस्त एयरबोट तो अब भाई स्पेस तो हो गया ओवर अब हम साइंस टेक के अंदर दूसरे एरियाज देखते हैं जो जो भी डेवलपमेंट हुए हैं जल दोस्त एयरबोट अब ये क्या है पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए फिर हम देखते हैं इस तरह की एक एयरबोर्ट है जो पानी के ऊपर ऊपर तैरेगी और जितनी भी आ, ये डेवलपमेंट हो जाते हैं वाटर प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं या फिर जो कचरा फ्लोट हो रहा होता है उसको हटाने का काम करेगी ये डेवलप की गई है सो so, जलदोस्त हैज़ बीन डेवलप बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन्होंने अनवील किया है इसको ऑपरेट करेगी ऑन वाटर एक्सेस एक्वेटिक वीड और फ्लोटिंग वेस्ट को हटाने का काम करेगी अगर हम नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की बात करें अच्छा पूछा जा सकता है जलदोस्त क्या है वॉट इज इट ज इट अयर बोर्ट इज इट अ पंडुबिया सबमरीन इज इट इज और व्हाट ठीक है तो पता होना चाहिए एक एयरबोर्ट है नेशनल एरोस्पेस की बात करें तो ओनली गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है कंट्री की जो कि सिविलियन सेक्टर के अंदर काम करती है यानी कि नॉर्मल ऐसा नहीं है मिलिट्रीज वगैरह के लिए काम कर रही है नहीं सिविलियन सेक्टर में काम करने वाली अतियली गवर्नमेंट की एरोस्पेस आर एनडी लेबोरेटरी है नेक्स्ट यूरेलाइट वॉट इज दिस यूरेलाइट आया न्यूज में रेयर एंड एंशियंट म्यूटोराइट एक ऐसा म्यूटोराइट जिसने अर्थ को हिट किया और एक बड़ा सा क्रेटर बनाया जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है क्रेटर सो so, ये यूरेलाइट क्या है अब देखना जरूरी है एक इन अ डिस्कवरी दो जगह दो देशों की टीम ने कोलेबोरेट किया एक तो इंडिया से अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने इकट्ठे एक डिस्कवरी की है ये जो ढला क्रेटर है ढला क्रेटर जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो कोलिजन ऑफ एक मीटोराइट से बना है जो कि बहुत एक्सेप्शनल और रेयर मीटोराइट है उसको कहते हैं यूरेलाइट 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 एक रेयर क्लास ऑफ है जिसमें बहुत टाइनी फ्रैक्शन के अंदर ही ऐसे मीटोराइट अर्थ को हिट करते हैं और उनमें से एक ही रहा फर्स्ट स्पेसिमेन जो इसका है वो डिस्कवर किया गया था रशिया के नोवो यूरिवेल से यानी इस तरह का एक मीटोराइट वहां हिट किया था इसलिए इसका नाम यूरेलाइट पड़ गया इसकी खासियत क्या है कि इसमें लेस देन टेन परसेंट कार्बन पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ डायमंड या ग्रेफाइट मेटल सल्फाइड या फ्यू फाइन ग्रीन सिलिकट तो कार्बन इसमें बहुत कम है कार्बन की मात्रा बहुत कम है इसलिए इसको रेयर कहा गया है और फर्दर uh, रिसर्च की जा रही है कि भाई जो ढलक क्रेटर है इसकी वजह से पानी कितना अवेलेबल हुआ अर्थ के ऊपर बिकॉज जब क्रेटर्स बनते हैं बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो इसका कितना बड़ा रोल रहा है अर्थ पे लाइफ लाने के लिए ये अगर आप देखोगे गूगल मैप्स के थ्रू तो ये ढल क्रेटर की इमेज है मध्य प्रदेश के ढल क्रेटर के इंडिया में अगर हम मीटियोर इम्पैक्ट के क्रेटर्स की बात करें तो मेनली तीन क्रेटर्स का नाम आता है हालांकि एक और क्रेटर है सिमलीपल का लेकिन मेनली तीन क्रेटर्स का नाम आता है एक है रामगढ़ जो कि कोटा राजस्थान में है लोनार जो कि मध्य महाराष्ट्र के अंदर है और ढल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है अगर आप मैप पे देखोगे ये कोटा वाला एरिया हो गया ये मध्य प्रदेश का एरिया हो गया और ये लोनार महाराष्ट्र वाला हो गया लेकिन ये सिमलीपल जो क्रेटर है इस इसपे भी रिसर्च और डेवलपमेंट चलते रहते हैं कि ये भी बहुत पुराना एक शायद मीटरलॉजिकल मीटियोर इम्पैक्ट से ही क्रेटर बना है जो कि अब बहुत समय से इसकी जो बाउंड्रीज है वो घिस गई हैं और इस पर भी काम आर डी चलती रहती है ढल क्रेटर जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इन एशिया का लार्जेस्ट क्रेटर के तौर पे इसको डेवलप या इसको इस्टेब्लिश किया गया है कि हाँ भाई ये एशिया का सबसे बड़ा क्रेटर है डल क्रेटर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है और वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर एक क्रेटर होता है मान लीजिए ज्वालामुखी फूटा और क्रेटर बन गया एक होता है इम्पैक्ट क्रेटर जो एक्स्ट्रा धरती से गड्ढा किलोमीटर कोडेक्स प्रोग्राम अगली न्यूज आती है ल्यूनियर कोडेक्स प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ से हम काफी सारी चीजों को प्रोग्राम करके एक चिप्स वगैरह के थ्रू मून पे भेज रहे हैं और वहां पे गैलरी बना रहे हैं कि कभी अगर धरती से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होती है तो वहां पे मून पे ऑलरेडी हमारे लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें अवेलेबल हो सके तो देखिए क्या है या लेजर से नैनो फिच जैसे हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की अपडेटेड फिल्म बेस्ड माइक्रोफिच बोलते हैं उसके ऊपर आप अलग अलग चीजें आर्ट फॉर्म्स जो है उनको स्टोर कर सकते हो और फिर उनको लूनर सरफेस पे भेज सकते हो तो कलेक्शन ऑफ आर्ट जो कि थर्टी थाउजेंड आर्टिस्ट राइटर्स फिल्म मेकर्स म्यूजिशियंस अलग अलग कंट्रीज से उनसे आर्ट फॉर्म्स इकट्ठी की गई और उनको चार कैप्सूल्स के अंदर डिवाइड करके इन चिप्स में रख करके कैप्सूल्स को अब भेजा जा रहा है सो तो पहला ऐसा कैप्सूल जिसको ओरियन कलेक्शन कहा गया वो ओरियन स्पेस नासा के आर्टेमिस वन मिशन जो था उसके तहत ऑलरेडी भेजा मतलब लॉन्च किया जा चुका है सो तो इसका मेन पर्पज क्या है वो के ऊपर आर्ट अवेलेबल होनी चाहिए जब हम वहां पहुंचे New COVID variant, so, COVID -19, COVID पीछा नहीं छोड़ रहा है COVID के के अलग-अलग अलग-अलग देश और दुनिया कोनों से मिलते रहते हैं एक कोविड सामने आया है यूनाइटेड किंगडम से पर्टिकुलरली एरिस या इजी 5.1 और इसी के ऐसा नहीं सिर्फ यूके से इसके अलावा चाइना यूएस और देश दुनिया के बाकी कोनों से भी इसका पता लगाया गया है और इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओमिक्रॉन लीनियर जो कोविड 19 का लिनेज था ना वही इसका भी लीनेज वही से निकला हुआ यह भी पाया गया है मेटी सेक्रेटरी ए के शर्मा ए के शर्मा लॉन्चेस ग्रेफीन ओरोरा प्रोग्राम सो मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनके सेक्रेटरी ए के शर्मा जी ने लॉन्च किया है ग्रेफीन और प्रोग्राम ये ग्रेफीन और प्रोग्राम क्या है सो so, ये समझने के लिए पहले तो ये देख लीजिए ग्रेफिन अरोरा प्रोग्राम जो लॉन्च किया मेथी सेक्रेटरी ने उन्होंने कहाँ किया कोची केरला के अंदर किया इसको इम्प्लीमेंट करेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला इसके लिए बहुत बड़ी लागत 94.85 करोड़ की दी गई है ना एक नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जाएगी जो कि एमर्जिंग ग्रेफिन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के ऊपर काम करेगी अब ये ग्रेफिन ऑरोरा प्रोग्राम इसके तहत ग्रेफीन इको डेवलप किया जाएगा तो ये ग्रेफीन क्या है ग्रेफीन एक बहुत ही टफ लेकिन फ्लेक्सिबल, लाइट और हाई रेजिस्टेंस वाला एक मटेरियल है जो कि 200 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंट है स्टील से लेकिन साथ ही साथ फाइव टाइम्स लाइटर है एल्यूमिनियम से इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ, एनर्जी की फील्ड में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मेडिसिन की फील्ड में यानी हेल्थ की फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर यूज़ की जाएंगी बिकॉज बहुत लाइट है एट द सेम टाइम बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है तो ग्रेफीन एक मटेरियल है जिससे रिलेटेड अब पूरा आर एन डी करने के लिए उसका इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए कंपनी का गठन किया जाएगा और उसके ऊपर काम कौन कर रहा है बहुत बढ़ चढ़ के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला पिबिट ह्यूमेड रोबोट एक ह्यूमेड रोबोट विद नेम विदिट कोरिया के अंदर कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको डेवलप कर रही है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन फीचर्स हैं और पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट उड़ाने जैसा काम भी से ये रोबोट कर पाएगा बिना किसी असिस्टेंस के और ना ही किसी कॉकपिट में बदलाव किए जो इस कॉकपिट कॉकपिट में बैठ करके ह्यूमन एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं उसी तरह से ये भी उड़ा लेगा मैनुअल पढ़ के सब कुछ समझ लेगा जो स्टेशन होते हैं उनसे कम्युनिकेट कर लेगा सो एक बहुत स्मार्ट पिबर्ट नाम याद रखेगा वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमेनॉइड पायलट रोबोट होगा ये Fight, chart, पूरे chart, इसको याद होंगे कम्युनिकेट कर सकता है ट्रैफिक कंट्रोलर्स से पायलट और फर्स्ट ऑफिसर की तरह वर्क कर सकता है methane, इस बैक्टीरिया को हार्नेस करने के ऊपर काम चल रहा है यानी इस, इस बैक्टीरिया को यूज करना इसको ले पाना और यूज करने के ऊपर काम चल रहा है एक न्यू स्टडी आई है जिससे एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है जो की मीथेन को पोटेंशियली रिमूव कर सकता है एमिशन साइट्स में से मेजरली थर्मल प्रोसेस होते हैं उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है जो कि वन ऑफ दी ग्रीन हाउस गैसेस है गर्म रखती है इन्वायरमेंट को और ओवर हो जाती है तो ज़्यादा गर्मी कर देती है जिससे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मीथेन को कम करने के लिए इस बैक्टीरिया को हार्नेस किए जाने की के ऊपर काम चल रहा है लार्ज स्केल पर जब इसको हार्नेस कर लिया जाएगा तो टू मिलियन टन ऑफ मीथेन एटमोसफेयर पर पहुंचने से रोकी जा सकती है बाई ट्वेंटी फिफ्टी ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम देखेगा मिथाइल ओटवी माइक्रोबियम बोरियाटिन सो so ये जो बैक्टीरिया है ये फाइव जी बी वन सी ये मीथेन को कंज्यूम करता है मीथेन को खाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है जो इसके ऊपर काम कर रही है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जा सकेगी जो भी मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको मीथेनोट्रोफ्स कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं ऑब्वियसली हर एक चीज़ का बैलेंस दिया गया है नेचर के अंदर अब क्योंकि हमने बैलेंस थोड़ा सा बिगाड़ दिया है मीथेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो अब हम ऐसे बैक्टीरियाज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बैलेंस को वापस से स्ट्राइक कर सके यहाँ आप देख सकते हो कुछ बायोजेनिक रीजनस होते हैं जिनसे मीथेन होती है प्रोड्यूस लैंडफिल्स हो गए एग्रीकल्चर के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स वेटलैंड से निकलती है थर्मोजेनिक जो गर्मी हम देते हैं उसकी वजह से कोल माइन्स हो गए पावर स्टेशन हो गए इन सब से भी मीथेन जाती है एनवायरमेंट ठीक फिर एक टर्म आई हरी क्विक हरी क्विक हरिकेन और का मिक्सचर हरी क्विक सो हरी क्विक जो है हरिकेन हिलेरी हरिकेन हिलेरी साउथ कैलिफोर्निया के अंदर लैंडफॉल करता है और उसी के साथ साथ अर्थक्वेक भी वहां पर देखे जाते हैं तो इसको एक नई टर्म दे दी जाती है हरी क्विक ठीक है ये ट्रेंड हुई है सोशल मीडिया में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और जो हरिकेन एन हिलेरी है वो कैलिफोर्निया वाले साइड पर हिट किया फ्रेंड न्यूज़ में रहे डेमन पार्टिकल्स जिसे मासलेस पार्टिकल कहते हैं डेमन पार्टिकल्स जो कि सुपर कंडक्टर्स को बनाने में मदद कर सकते हैं सुपर कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रूम टेम्परेचर पे भी बहुत तेजी से कंडक्ट कर देते हैं सुपर कंप्यूटर्स सुपर कंडक्टर्स के लिए यूजली बहुत ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ये जो डेमन पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है ये ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बना कंडक्टर्स uh, बना देते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बहुत हाई स्पीड uh, से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं सो सुपर कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस करंटली लो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये कर पाते हैं लेकिन नई डिस्कवरी से पोटेंशियल हो जाएगा कि कंप्यूटिंग मेडिकल इमेजिंग वगैरह बहुत फास्ट हो जाएगी क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पर ही इन सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे डेमन पार्टिकल्स प्रोडिक्शन जो है इन डेमन पार्टिकल्स का वो 1956 में ही डेविड पाइंस ने कर दिया था कि भाई ऐसे कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं मासलेस होते हैं चार्जलेस होते हैं ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं ये प्लाज्म बना लेते हैं प्लाज्मास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनकी कलेक्टिव यूनिट को प्लाजमॉन्स बोलते हैं जो कि वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और प्लाज्मस का होना ही सुपर कंडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है सुपर कंडक्टिविटी क्या है एक ऐसा फिनोमिन है जहाँ पे जो चार्ज है वो मूव करता है थ्रू अ मटीरियल विदाउट रेजिस्टेंस किसी रुकावट के बिना किसी रेजिस्टेंस के बिना वो मूव कर जाएगा पहली बार इनको डिस्कवर uh, किसने किया था नाइनटीन इलेवन में डच फिजिसिस्ट थे हेक कैमलेन ओन्स इन्होंने इसको डिस्कवर किया था आगे बढ़ते हैं बी एच ई एल डेवलप्स इंडिया फर्स्ट कैटलिस्ट सेट टू कर्ब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिशन इन पावर प्लांट्स तो बी एच ई एल ने पहला ऐसा कैटलिस्ट बनाया है डेवलप uh, किया है जिससे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनका जो एमिशन होता है पावर प्लांट से उसको रोका जा सके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगेन एनवायरमेंट के अंदर वार्मिंग अप करने का काम करती है उसके अलावा वो एज अ पोल्यूटेंट भी मानी जाती so, BHEL, is, है सो बी एच ई एल दट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग फर्म है उसने पहला इंडिजिनस सिलेक्टिव कैटलिटिक रिएक्टर बनाया है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस को थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने में रोकेगा और पहले इस चीज़ को हम इंपोर्ट किया करते थे ताकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा नहीं निकले पोल्यूशन ना हो इसके लिए हम ऐसे डिवाइस को इम्पोर्ट करते थे अब हमने ऐसा कैटलिस्ट यहीं पर बना लिया है इंडिया इन कोलेबोरेशन विथ कोरिया एक नैनो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कोरिया से है उसके साथ मिलकर के ये बना है स्मिशिंग एस एम एस फिशिंग अब एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगाह किया है सारे नागरिकों को कि स्मिशिंग से आप थोड़ा आगा रहिए यानी एस एम एस से फिशिंग करना फिशिंग करना क्या होता है एक कांटा फेंका जाता है ताकि मछली जाल में आ जाए राइट तो इसी तरह से एक डाला जाता है जिससे आपको लगता है कि बहुत ऑथेंटिक सा एस एम एस है बैंक की तरफ से आ रहा है किसी फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से आ रहा है आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो किसी फेक वेबसाइट पे पहुंचते हो या किसी फेक नंबर पे पहुँचते हो और बस आप मछली उनके कांटे में फंस चुके हो तो उसको कहते हैं स्मिशिंग न्यू स्कैम है स्मिशिंग कॉम्बिनेशन है एसएमएस का यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस का और फिशिंग का सो so, इसके अंदर फ्रॉडिलेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं स्मिशिंग में टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ईमेल नहीं आता जैसे पहले जो फिशिंग की जाती थी वो मेल के थ्रू की जाती थी इसमें अब टेक्सट मैसेजेस के थ्रू की जा रही है जो लेजिटिमेट लगते हैं लेकिन फ्रॉडिलेंट वेबसाइट या फोन नंबर तक पहुंचाते हैं आपको अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे सो so, पहला तो ये है कि गवर्नमेंट टू बिल्ड रिसर्च पार्क्स एट आई और आई एस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट रिसर्च पार्क खोलेगी ताकि रिसर्च और इनोवेशन की दुनिया में हम और आगे बढ़ सके दूसरी शॉर्ट न्यूज है इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिप्लेस करने का एक डिसाइसिव स्टेप लिया यानी डिसीजन लिया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे इंडिया में बने हुए माया ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यों ऐसा करेंगे बिकॉज बहुत सारे साइबर क्राइम्स और मालवेयर अटैक्स होते जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में है उससे तो हम माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि हर जगह यूज होता है तो उसको क्रैक करना उसमें मालवेयर छोड़ना उसमें वायरसेस छोड़ना सिंपल होता है तो वो हटा के हम इंडिया में ही बनाया हुआ माया सॉफ्टवेयर डिफेंस सिस्टम एटलीस्ट यूज करेंगे ये डिसीजन लिया गया है ठीक है सो इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा पहला सेक्शन और अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ विच इज डिफेंस न्यूज राइट आगे बढ़े उससे पहले फटाफट से आपको बता देते हैं कि अगर आपको अपनी करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप ऑब्वियसली पूछते रहते हो कि मैम बहुत तरह का मटेरियल है किसको कैसे यूज करें तो देखिए अगर आप अभी कोई भी एग्जाम देने वाले हो अगले तीन चार पांच महीने के अंदर तो आपको जनवरी से लेकर के अपनी करंट अफेयर तैयार रखनी पड़ेगी अब जनवरी से लेकर अभी तक की हर महीने की करंट अफेयर पीडीएफ पढ़ने की बजाय बेटर होगा कि आप सिक्स मंथ मैगजीन की तरफ मूव कर जाइए जनवरी टू तो जून की सारी करंट अफेयर आपको कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से ऑर्गेज फॉर्म में मिल जाएगी तो जून तक का काम तो हो गया जुलाई ऑगस्ट ऑनवर्ड्स आप मंथली सी मैगजीन से पढ़ सकते हो ओके जब एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले होते हैं हफ्ता दस दिन बचे हुए होते हैं या एक दो दिन बचे हुए होते हैं क्विक रिविजन की जरूरत है तो आप इतनी डिटेल डॉक्यूमेंट तो बार बार नहीं पढ़ोगे तो उस केस में आप सी ए, रफ्तार की तरफ मूव कर सकते सिर्फ हेडलाइन का कंपाइलेशन है छह महीने की हेडलाइंस का पूरा कंपाइलेशन क्विक रिविजन आपका हो जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस करने है क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन में निकाल लू लास्ट मिनट तो उसके लिए आप सवाल ई बुक की तरफ मूव कर सकते हैं ये सब सॉफ्ट कॉपी में है ठीक है ये क्वार्टरली मैगजीन होती है हर क्वार्टर में यानी हर तीन महीने में तीन सौ से ज्यादा आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन क्रिस एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ताकि आप यहां से रिविजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों निकाल सको ठीक है तो मेन तैयारी यहां से कर सकते हैं यहां से रिविजन कर सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट ही पढ़ते हैं तो वो इतना कुछ पढ़ ही नहीं सकते तो आप इन दोनों में से कोई एक टूल यूज कर सकते हो ओके जी चलिए मैंने आपको कहा था एक और क्वेश्चन आएगा तो ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन अगेन कोशिश कीजिए आंसर करने का रिसेंटली लॉन्च प्रबल Is what? हाल ही में लॉन्च किया गया प्रबल क्या है प्रबल क्या चीज है क्या ये एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है क्या ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जिससे माइंड डिटेक्ट की जा सकती है क्या ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या ये वेपन लोकेटिंग रेडार है प्रबल नाम से जो चीज हाल ही में लॉन्च की गई है ये इन चारों में से क्या है ठीक है आंसर करने की ट्राई कीजिए नहीं तो हम पढ़ेंगे नाउ डिफेंस सेक्शन में पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे जितनी भी हुई है और फिर डिफेंस की की बाकी न्यूज तरफ चलेंगे तो आई टू यानी ब्राइट स्टार ट्वेंटी थ्री इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा विद सऊदी अरेबिया ग्रीस एंड कतर तो पहली हम पहली बार हम ब्राइट स्टार ट्वेंटी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कौन कंडक्ट करवाता है ब्राइट स्टार सो इजिप्ट कंडक्ट करवाता है तो इजिप्ट के पिरामिड देखिए और उनके ऊपर एक ब्राइट सा स्टार इमेजिन कर लीजिए याद हो जाएगा कि ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है इजिप्ट करवाता है और इंडिया पहली बार इंडियन एयरफोर्स पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगी माइन एल है यानी दो साल में एक बार होती है मल्टीलेटरल यानी बहुत सारी बहुत सारी पार, पार्टीज यानी पक्ष यानी देश इसमें शामिल होते हैं ट्राई सर्विसेज यानी एयरफोर्स नेवी मिलिट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी और यह एयरबेस इजिप्ट के अंदर हुई 27 अगस्त से 16 सितंबर कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए यूएस सऊदी अरेबिया ग्रीस कतर और इंडिया इंडिया से इंडियन एयरफोर्स का कौन सा कंटिजेंट गया सो so, मिग ट्वेंटी गए आई एल टैंकर एयरक्राफ्ट गए सी थर्टी गए सी सेवनटीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गए गरुड़ स्पेशल फोर्सेस गई हैं एक्सेट्रा एटसेट्रा इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति तरंग शक्ति अब तरंग और पतंग मिलते जुलते हैं ना पतंग कहां उड़ती है आसमान में उड़ती है तो इंडियन एयर फोर्स कंडक्ट करवाएगा तरंग शक्ति एक्सरसाइज ठीक है आप ऐसे याद रखोगे नहीं तो तिरंगा तिरंगा लहराता है ना तिरंगा हवा में लहराता हुआ दिखता है ना तो हवा यानी इंडियन एयरफोर्स याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स होल्ड करेगा फर्स्ट एवर पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति अक्टूबर के अंदर बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया कंडक्ट कराने जा रहा है यूके यूएस फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत से देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे चाइना यूएई एयर फोर्सेस टू कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग फैल्कनशील्ड शील्ड 2023 थ्री फैल्कन शील्ड 2023 पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कौन से दो देशों के बीच में होगी चाइना और यूएई चाइना और यूएई मैप थोड़ा सा वर्ल्ड मैप दिमाग पर ले आया करो देश याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा सो एयर फोर्सेस हैं चाइना और यूएई की वो फाल्कन शील्ड 2023 कंडक्ट करेंगे फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग होगी दोनों देशों के बीच में ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम क्वाड कंट्रीज जो होती हैं कौन सी कंट्रीज क्वाड कंट्रीज क्वाड देश हम जिनको बोलते हैं सो so, उसके अंदर यूएस जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये चार कोऑर्डिनेशंस हैं जो मिलके एक्सरसाइज करते हैं और उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ रहा है कि वो होस्ट करेगा मालाबार एक्सरसाइज को ठीक है मालाबार एक्सरसाइज थर्टी फर्स्ट एडिशन जो कि हो चुका है मतलब ये क्योंकि अगस्त की न्यूज है इसलिए करेगा है कर चुके हैं ये इलेवन टू टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट के अंदर हो गई नाइन नाइन में इसकी शुरुआत हुई थी इस एक्सरसाइज की मालाबार की बाई यानी दो देश ही इसमें शामिल थे सिर्फ इंडिया और यूएस नेवी ठीक है फिर उसके बाद 2015 में जापान ने पार्टिसिपेट किया 2020 में ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने ज्वाइन इन कर लिया अब ये चार देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं एनुअली ये होती है ओके okay, अब इस एक्सरसाइज uh, के अंदर मालाबार एक्सरसाइज के अंदर इंडिया नेवी ने आईएनएस कोलकाता और आईएनएस एन सहयाद्री को भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि क्वाड की बात आ गई है तो आइडिया ऑफ क्वाड किसने दिया था उस समय के जो जापान uh, के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे उनका ये आइडिया था इसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा कंट्रीज के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं ये स्टैटिक पोर्शन हो गया जो मैं आपको बता रही हूं राइट सो इंडिया जापान इंडिया जापान जिसे हम जिमिक्स भी कहते हैं जिमिक्स नेवल एक्सरसाइज होती है मैत्री होती है धर्म गार्जियन होती है ये इंडिया और जापान के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार स्पिटिंग कोबरा संगम रेड फ्लैग कोप इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑजी एंड ऑस्ट्रा हिंद पिच ब्लैक ये कई बार मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज अलग से याद करवाई है उनमें टेक्निक दे देके सारी चीजें याद करवाई हुई है करंट अफेयर कर रहे हैं बहुत समय नहीं लेंगे टेक्निक का आगे बढ़ेंगे आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस त्रिकंद अराइव इन दुबई फॉर बायोलेक्ट्रल एक्सरसाइज सो दुबई के अंदर कोई बायोलेक्ट्रल एक्सरसाइज हो रही थी जिसके लिए आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद गए हैं कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी दुबई में भाई सो so, जायद तलवार 2023 जाए तलवार तलवार यूएई वाले तलवार लेके खड़े हुए हैं ओके okay? विशाखापट्टनम और त्रिकांड गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पोर्ट राशिद दुबई के अंदर और यू नेवी के साथ में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, 8 -10, नेवल थी। नेवी, पार्ट नेवी, नेवी लीड कर रहा था सी कैट एक्सरसाइज कहा सिंगापुर में और इंडिया गया है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी शिप

क्या है ये सिस्टम क्यों काम में लिया जा रहा है साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेगा ये लोगों की इससे पहले कि उनको बड़े बड़े डिग्नेटरीज के प्रोटेक्शन में लगाया जा सके देखो सीआरपीएफ या कोई भी मिलिट्री सर्विसेज में फिजिकल टेस्ट तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन सीआरपीएफ की बात करें तो उतना ही कड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बहुत जरूरी है क्योंकि सीआरपीएफ वाले लोगों को बड़े बड़े डिग्नेटरीज के सुरक्षा के लिए लगाया जाता है तो क्या वो उस तरह का प्रेशर झेल पाएंगे क्या उस तरह की सुरक्षा दे पाएंगे एक्सेट्रा तो साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग है इसके लिए कंप्यूटराइज साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम है जिसको कॉप्स कहा गया जो डीआरडीओ ने डेवलप करवाया है उसके थ्रू स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि शार्प मेंटल फिटनेस भी इंश्योर की जा सके तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामर उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सी आर पी एस सुजो थायसन है, उनको ये सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया है लीजिए साहब यूज कीजिए डेविड स्लिंग डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कौन से देश का है उसने किस देश को दिया है तो डेविड स्लिंग जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का है किसका है Israel का है और उसने अप्रूव किया है कि भाई मैं फिनलैंड को दूंगा जो तो दे, भी दुश्मन देश मेरे ऊपर मिसाइल फेंकेंगे मैं उसको ध्वस्त कर सकू अब इसराइल से ही इंडिया ने भी कुछ खरीदा है इंडिया ने क्या लिया है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक को फोड़ने के लिए गाइड करके हम मिसाइल मार सकते हैं सो so, उसका नाम है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो आंखों से दिख भी नहीं रही वहां पे जाकर के आप मार सकते हो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली रिसीव किया है से ये भी का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने जो कि इसराइल में भी डेवलप किया और इसको डिफेंस फोर्सेस ऑफ इसराइल और 38 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया यूज कर रहे हैं 30 किलोमीटर दूर से इस टारगेट को ये मार सकता है ये रही वो एयर से भी शूट किया जा सकता है लैंड से भी यूज किया जा सकता है स्पाइक एनएल नीराक्षी नीराक्षी क्या है अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन सो पानी के अंदर माइंड वगैरह का पता लगाने के लिए नीराक्षी अंडर ट्रायल हो चुका है अब इसको तो यूजर ट्रायल्स में डाला जाएगा कमर्शियल यूज से पहले इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है नीराक्षी देखो नीर पानी से रिलेटेड होता है ना तो हिंट मिल जाएगा कि पानी से रिलेटेड है ये अंडर वाटर माइंड डिटेक्टर और इसका मतलब होता है आइज इन द दॉटर अक्षी आइज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो कि कंट्री के अंदर यूज किया गया है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है फिर इसको कमर्शियल यूज में डाला जाएगा कोलकाता बेस्ड वॉर्शिप मेकर जो जी है और एम एस एईपीएल इन्होंने मिलकर के बनाया है माइंड डिटेक्शन माइंड डिस्पोजल अंडर वाटर सर्वे ये सारे कामों के अंदर निराक्षी को लिया जाना है स्वाथी माउंटेन्स स्वाथी माउंटेन्स क्या है वेपन लोकेटिंग रेडार है वेपन का पता लगा सकता है रेडार है जो कि वेपन का पता लगाएगा पिक्चर देख लो ये रहा ठीक है सो लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रेडार कॉल्ड स्वाथी माउंटेन्स इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है और माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड पे इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है इसको बी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डेवलप किया है बेंगलुरु के अंदर ये दूसरे जो हमारे दुश्मन हैं उनके हथियार वगैरह कहाँ रखे हुए आर्टिलरी कहाँ है उसको डिटेक्ट कर सकता है और रॉकेट लैंड लॉन्चर्स वगैरह से उनको ध्वस्त कर सकता है प्रिसाइज कैलकुलेशन कर सकता है एक्यूरेटली आर्टिलरीज को पता लगा करके स्ट्राइक कर सकता है ओके नेक्स्ट विंध्य फ्रिगेट विंध्यगिरी बहुत सारे हमने जो पी सेवनटीन ए फ्रिगेट नीलगिरी क्लास पढ़े हैं ओवर द ईयर्स एंड मंथ्स उनमें से अब एक और नाम आ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की सिक्स नेवी की सिक्स नीलगिरी क्लास पी सेवनटीन ए फ्रिगेट जिसका नाम है विंध्यगिरी कहाँ जी आर एस ई कोलकाता सेवनटीन ऑगस्ट को विंध्यागिरी का नाम जो है वो कर्नाटका में जो माउंटेन है विंध्यगिरी उन पर रखा गया है और ये सिक्स नंबर की

एम यानी मुंबई बेस माजागांव डॉक्श बिल्डर्स और थ्री जो है वो जी कोलकाता में बनाई जानी थी इन सेवन में से ओके और इनमें से ऑलरेडी जो फाइव है वो लॉन्च हो चुकी हैं 19 से 22 के बीच में और जो पी सेवेंटीन ए फ्रिगेट्स हैं वो उनको हम बोलते हैं नीलगिरी क्लास क्योंकि पहले नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स सर्व uh, कर चुकी है इंडियन नेवी को 1972 से 2013 के बीच में और उन्हीं के ऑनर में वापस ये जो फ्रिगेट्स बन रही हैं यानी जो वेसल शिप्स बन रही है उनको नीलगिरी क्लास क्लासे नाम दिया गया है जो पांच पहले uh, लॉन्च हो चुकी है नीलगिरी हिमगिरी तारागिरी उदयगिरी डोनागिरी और अब विंध्यागिरी लॉन्च हुई है सातवीं कौन सी है अगली न्यूज में पढ़ेंगे महेंद्रगिरी है कौन सी है महेंद्रगिरी इंडिया न्यू वॉरशिप टू बी लॉन्च इन मुंबई ऑन सेप्टेम्बर वन तो अब तो वो भी लॉन्च हो चुकी है महेंद्र गिरी लॉन्च हो चुकी है माजागांव शॉप बिल, शिप बिल्डर्स मुंबई से सेवन्थ एंड लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होती है समझो फ्रिगेट यानी एक बड़ी शिप या वेसल आप समझ लीजिए स्टेल्थ का मतलब होता है इनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सामने वाले जब रेडार्स डालेंगे ना तो ये थोड़ी इनविजिबल रह सकती है दूसरों के रेडार पर बहुत ईजीली पता नहीं लगाई जा सकती इस वेसल की लोकेशन को ओके और पहली स्टेल्थ फ्रिगेट शिप कौन सी थी नीलगिरी थी जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी दूसरी थी उदयगिरी जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी और ये दोनों जो है वो 2024 में कमीशन कर ली जाएंगी यूज में ला दी जाएंगी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट जो है वो नाइन ट्वेंटी में ही लॉन्च किया गया था एक सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी स्टेल्थ यानी जो इजिली पता नहीं लगाई जा सके गाइडेड मिसाइल यानी यहाँ से मिसाइल छोड़ी जा सके गाइडेड टारगेट को गाइड करती हुई यानी vessels, या ये ये कौन है? ये है वागीर। वागीर। वागीर क्या है भाई आपको इसके थोड़े शेप से दिख रहा होगा ये पंडुबी यानी सबमरीन है इंडियन सबमरीन आई एन एस वागीर कम्पलीट हिस्टोरिक सेवन थाउजेंड किलोमीटर डिप्लॉयमेंट टू ऑस्ट्रेलिया ये न्यूज में आया कि भाई जो आई एन एस वागीर है वो सात हजार किलोमीटर दूर जाकर ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय की जा रही है और उसने कंप्लीट कर लिया है ये हिस्टोरिक जर्नी इतनी दूर जा कर के वो बिना किसी क्षति के बिना किसी नुकसान के वहां पहुंच गई है सो so ये ये अब हमको इंपॉर्टेंट हो जाता है आई एन वगैरह के बारे में पढ़ना इंडियन नेवी की फिफ्थ कल्वरी क्लास सबमरीन है ये कलवरी क्लास के अंदर सबमरीन बन रहे हैं जिनमें फिफ्थ नंबर की सबमरीन जो हुई वो आई एन हुई और ये अलग अलग एक्सरसाइजेज में रॉयल इंडियन सॉरी ऑस्ट्रेलियन नेवी में पार्टिसिपेट करने भेजी गई है अब देखिए ये जो आई एन वगैरह है इसको सैंड शार्क भी कहते हैं और इसको इंडियन नेवी में डिसंबर ट्वेंटी में डिलीवर किया गया था राइट right? कलवरी क्लास सबमरीन की अगर हम बात करें तो इसमें सिक्स सबमरीन आती हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत डेवलप की गई थी फोर ऑफ दी सबमरीन ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं जिनमें कलवरी खांडेरी करांच और वेला है नंबर की जो है वाघ वो कमीशन की जाएगी 2024 के अंदर ये सारे नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे राइट right? और इनको किसने बनाया है डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई ने बनाया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहाँ से हुआ है फ्रेंच फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहा ओरिजिन ऑफ नेम अब हम इसको वागीर जो कहा है ना इस नाम से ऑलरेडी 1973 से 2001 के अंदर इस नाम से सबमरींस सर्व कर चुकी थी इंडियन नेवी में उन्हीं के ऑनर में ये वापस से पूरा एक क्लास ऑफ सबमरींस बनाया गया इंडियन एयरफोर्स इंडक्स हेरॉन मार्क टू ड्रोन ये ड्रोन है हेरॉन मार्क टू इस नाम से इंडियन नेवी ने इंडक्ट किए हैं ड्रोन फोर स्ट्राइक केपेबल हेरॉन मार्क टू ड्रोन चार ऐसे ड्रोन इंडक्ट किए हैं और ये स्ट्राइक केपेबल यानी इनमें से स्ट्राइक यानी मिसाइल वगैरह छोड़ी जा सकती है और ये नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर लगाए गए हैं स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और बॉर्डर के आसपास सर्वेलेंस रखने के लिए निगरानी रखने के लिए चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास इसको लगाया जाएगा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे थर्टी सिक्स आवर्स तक लगातार काम कर सकते हैं लेजर इल्यूमिनेट लेजर की मदद से टारगेट कर सकते हैं एनिमी को लॉन्ग रेंज से और लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन सिस्टम भी इनमें डिप्लॉयड होते हैं यह आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल प्रबल क्या है लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जिसको कि अगस्त 18 को लॉन्च किया गया और इसको मैन्युफैक्चर किया एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने जो कि कानपुर में बेस्ड है इसकी खासियत क्या है कि कि इसकी फायरिंग रेंज अप टू 50 मीटर से, है 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 जो जो अभी रिवॉल्वर उनसे मोर देन डबल ठीक चलिए इंडियन आर्मी डेडिकेट्स भगत ब्रिज ऑन सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था उसमें इंडियन आर्मी ने इनाग्रेट किया है भगत ब्रिज ये ब्रिज कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड करेगा अलग अलग स्कूल्स हेल्थ केयर वगैरह तक पानी के ऊपर से अब ऑब्वियसली आवाजाही हो सकेगी तो कहाँ इनाग्रेट किया गया है इन द विलेज जो कि लास्ट लाइन ऑफ लास्ट विलेज है लाइन ऑफ कंट्रोल मच्छल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और वहाँ पर इन द मेमोरी ऑफ लेट मेजर भगत सिंह जो कि वीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं अपनी बहादुरी के लिए जब उन्होंने इस सेक्टर को 1965 वॉर में डिफेंड किया था उन्हीं के नाम पे इस ब्रिज को नाम दिया गया है और अब ऑब्वियसली ये जो ब्रिज है वो एजुकेशन हेल्थ केयर एक्सेस और टूरिज्म प्रोस्पेक्ट से इस रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा अभी तक ये रीजन बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं था एलसीए so, कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हल्का है कंपेरेटिवली कम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर करता है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र क्या है एयर टू एयर मिसाइल यानी एयरक्राफ्ट से ही इस मिसाइल को दागा जाएगा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर ट मिसाइल है ऑफ़ द कोस्ट ऑफ़ गोवा इसको टेस्पायर किया गया है बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहां तक हमको टारगेट दिख नहीं रहा उसके दूर जाकर के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और गोवा के कोस्ट के थोड़ा आगे जा कर इसको टेस्पायर किया गया टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मेनोवरिंग सुपरसोनिक एयर टारगेट्स हाईली मेनोवरिंग जो अपना रास्ता बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हैं सुपरसोनिक स्पीड से जो एरियल टारगेट्स हैं उनको भी ध्वस्त करके इसका टेस्पायर किया गया है तो हमारी जो कॉम्बैट पावर है तेजस की उसको स्ट्रांग किया गया है इसके थ्रू और जो इम्पोर्टेड वेपन्स की डिपेंडेंसी है हमारी वो खत्म होगी जब इस तरह के अस्त्र जैसे एयर टू एट एयर मिसाइल हम तेजस को दे देंगे और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिया कीनिया बायलेटरल डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया और कीनिया की, की बायोलेट्रल यानी द्विपक्षीय डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई

ताकि वो डिजाइन और जो बिल्डिंग है शिप्स के उसमें एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे नंबर वन चीज तो ये और ये न्यू डेली के अंदर हुआ राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में हुआ फिफ्टीन उसी के अलावा फिफ्टीन पेयर ऑफ ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड पैराशूट्स भी हमने केन्या को एज अ गिफ्ट दिए हैं केन्या फोर्सेस को उसके अलावा इंडिया ने ऑफर किया है कि हम एडवांस सीटी स्कैन फैसिलिटी केन्या के अंदर लगाएंगे और क्या रहा इस मीटिंग का नतीजा कोऑपरेशन का कमिटमेंट हुआ कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे मेरी सिक्योरिटी में इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर उसी के साथ साथ इंटेंसिव कोऑपरेशन देंगे काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग में यानी कि अगर आ, कोई भी इंसर्जेंसी हो जाती है एकदम मिलिट्री अटैक कुछ हो जाते हैं तो उसको आ, उसको रोकने के लिए या उसको फाइट करने के लिए हम तैयारी करेंगे और एक दूसरे को उसमें सपोर्ट देंगे एक्सपैंडड पार्टनरशिप यू एन पीस कीपिंग एफर्ट्स में यू एन पीस कीपिंग यू एन नेशन आ, है ये दोनों ही कंट्रीज तो पीस कीपिंग के लिए जो फोर्सेज भेजी जाती हैं एक दूसरे को उसमें भी सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि गोवा शिप बिल्ड या शिप यार्ड लिमिटेड की बात आई है तो गोवा गोवा शिप यार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जिसके सीएमडी ब्रजेश कुमार उपाध्याय है हेडक्वार्टर वास्कोडामा गोवा के अंदर है और 1957 में इसका गठन किया गया तो ये हो जाती है सारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट खत्म जाते जाते एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आज हमने पढ़ा है ना उसी में से निकाल के एक क्वेश्चन है ताकि आप थोड़ा सा आइडिया ले सको आपने कितने ध्यान से पढ़ा है चीजें याद रह रही हैं नहीं रह रही हैं ठीक है या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट इज द एंड फाइनल स्टेथ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट सेवन ए हमने देखा प्रोजेक्ट ए के तहत सात स्टेल्थ फ्रिगेट बनने हैं उसमें से जो सेवेंथ है उसका नाम क्या है नीलगिरी विंध्यगिरी महेंद्रगिरी या तारागिरी बहुत सिंपल सा सवाल है अगर न्यूज पे थोड़ा भी ध्यान दिया होगा आप आंसर कर पाएंगे तो ये था आज का सेशन और इसी के साथ अगस्त मंथ की जो पूरी करंट अफेयर है मंथली वो हमने वाइंड अप कर ली है इस बार बहुत डिले हुआ और उसका रीज़न मैंने आपके साथ शेयर भी किया वरना यूजुअली इतना डिले नहीं होता है पर इस बार क्योंकि जब बच्चे की हेल्थ सामने आ जाती है तो एक बार सारी चीज़ें सेकेंडरी प्रायोरिटी पर चली जाती हैं हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि जितनी मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले दे दूँ बिकॉज आप लोगों के काफ़ी सारे बच्चों के एग्जाम्स उस हिसाब से लाइंड अप थे तो कुछ सेशंस मैंने ऑल दो क्रोनोलॉजी में बाद में आते हैं पर मैंने पहले ले लिए ताकि ज़्यादा नुकसान आप लोगों का ना हो पर अगले महीने से पूरी कोशिश रहेगी और एक तरह से खुद से मेरा कमिटमेंट है कि आपके वीडियोस काफ़ी पहले आ जाएंगे मंथली सी ए के ताकि मुझे भी टाइम मिले बचे हुए दिनों में आपके लिए स्टैटिक जी के लाने का जोग्राफी लाने का और भी बहुत कुछ प्लान है जो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मंथली सी काफ़ी टाइम ले लेता है सो आई एल बी डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट इम्प्रोवाइजिंग ऑन इट और आप भी वर्क कीजिए जो भी सेशंस दिए जा रहे हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए बिकॉज करंट अफेयर इतने डेप्थ में इतनी मेहनत से चुन चुन के निकाल के आपको पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे बस करना यह है आपको पढ़ना है और तैयारी अपनी रखनी है कंटेंट की मेहनत हम कर रहे हैं डिलीवर करने की मेहनत हम कर रहे हैं आप पढ़ने और दिमाग में स्टोर करने की थोड़ी मेहनत कीजिए वहाँ भी कई जगह हम सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं ठीक है कोई भी डाउट क्वेरी कंसर्न होता है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड परचम के किसी भी ऑफरिंग uh, से रिलेटेड तो परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जीवेल डॉट कॉम पर बेझिझक लिखा लिखा कीजिए परचम ऐप पे बेझिझक अपनी ऐप चैट में जाकर के लिखा कीजिए नहीं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए टीम आपको बहुत uh, मन से पूरे एफर्ट uh, से रिस्पॉन्ड करने में लगी रहती है एंड वी विल कीप ऑन डूइंग गुड वर्क यू कीप ऑन हेल्पिंग योर सेल्फ विद ऑल द वर्क दैट वी आर डूइंग फॉर यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में टाटा